अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट करने की तैयारी में है एसआईटी। जल्द हो सकता है डबल मर्डर का सीन रिक्रिएट। डबल मर्डर की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने लोकल पुलिस थाना शाहगंज से ली जानकारी और कभी भी कर सकती है क्राइम सीन रिक्रिएट। हालांकि रात में दोनों की हत्या की गई थी, इसलिए रात में भी किया जा सकता है सीन रिक्रिएट। एसआईटी की टीम घटनास्थल पर उन पुलिस वालों के साथ भी सीन रिक्रिएट करेगी जो उस समय अतीक और अशरफ के साथ थे। रिक्रिएशन के बाद सारे लूप होल का पता लगाएगी एसआईटी की टीम। सीन रिक्रिएट कर ये पता लगाया जाएगा कि हत्यारों ने इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया था। इसके अलावा एसआईटी की टीम उन पुलिस कर्मियों से सिलसिलेवार पूछताछ भी करेगी जो हत्या की रात अतीक अहमद के साथ थे। कितने पुलिसकर्मी अतीक अहमद की सुरक्षा के लिए उस रात ड्यूटी पर थे, उनका आंकड़ा लिया जा चुका है। साथ ही अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जब मेडिकल के लिए ले जाया गया था तो सरकारी असलहों के साथ कितने पुलिसकर्मी चल रहे थे और कितनों के पास असलहे नहीं थे। एसआईटी ये भी जांच करेगी कि हमलावरों के हमला करने से लेकर उसे पकड़े जाने तक कितने पुलिसकर्मियों ने कोशिश की और कितना समय उन्हें काबू करने में लगा। अभी तक की जांच में सामने आया है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का मास्टरमाइंड सन्नी था। लवलेश और अरुण की मुलाकात पहले जेल में हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को जेल से जानते थे जब दोनों एक साथ जेल में बंद थे। इसके बाद एक दूसरे दोस्त के माध्यम से ये दोनों सन्नी के संपर्क में आए। इस हत्या को कैसे अंजाम देना है ये सन्नी ने तय किया। सन्नी ही वो शख्स है जिसने हत्या की सारी मोडस ऑपरेंडी को तय किया और हथियार भी मुहैया कराए। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो सकती है या इनके पीछे कौन है या यही अपने आप में स्वयंभू हैं, इन सब चीज़ों पर हमारे जो रिमांड पे लाने के पश्चात से हमारी ये एसआईटी की टीम्स लगी हुई है, प्रयाग पुलिस लगी हुई है और हम लोग लगे हैं सब इसमें। जो चीज़ जैसी विषम चीज़ें आएंगी वैसे हम आप शेयर करेंगे। पुलिस तफ्तीश कर रही है कि सन्नी को हत्या का आदेश किसी और ने तो नहीं दिया। क्या किसी और ने सन्नी को हत्या की सुपारी तो नहीं दी और फिर सन्नी ने लवलेश और अरुण मौर्य को अपने साथ मिलाया। इन सारे पहलुओं की जांच एसआईटी कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।